निर्देशांक ज्यामिति में जो मुख्य मुख्य बिंदुएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इंपॉर्टेंट इसमें होता है दूरी सूत्र। क्या दूरी सूत्र? ये क्या होता है? एक तल में दो बिंदु है, एगो ए है, इसका नियामक है x1, y1, एगो बिंदु बी है जिसका नियामक है x2, y2। तो इसका दूरी सूत्र लगाते हैं, दूरी सूत्र से दूरी कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने के लिए होता है, यानी a से b के बीच के दूरी निकालना अगर होगा तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर दूरी सूत्र इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा नंबर होता है मूल बिंदु से दूरी। क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसको समझने के लिए यही दूरी सूत्र से हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखिए, एक बिंदु है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। इसका नियामक होता है 0, 0। कितना होता है? 0, 0। और एक और बिंदु है यहाँ से दूर पर B, इसका नियामक है xy। क्या है? xy। ठीक है ना? तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर x2 + y2, इसका फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, रूट अंडर x2 + y2। तीसरा नंबर जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वह क्या है? विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। ये विभाजन सूत्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए, दो बिंदु है, एगो का नियामक है ax1, y1, दूसरा का बिंदु है B, इसका नियामक है x2, y2। दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को एक बिंदु है जो विभाजित कर रही है। मान लीजिए एक बिंदु P है जो विभाजित कर रही है और इसका नियामक हम मान लेते हैं x, y। तो इसको निकाला, किस अनुपात में विभाजित करती है? तो m1 / m2। क्या m1 अनुपात? क्या है अनुपात? अनुपात है m1 / m2, याद कर लिए, m1 / m2 अनुपात है m1 / m2। यानी कि बिंदु P जो है ना, बिंदु P AB को m1 / m2 में विभाजित करती है। तो ये P का नियामक निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसका सूत्र ये होता है। देखिए, x बराबर फॉर्मूला होता है, ये x जो है ना, ये x, x बराबर होता है m1 + m2 लिख दीजिएगा, अब बटा में फिर m1 + m2 लिख दीजिएगा। ठीक है, आई में m1 है तो आई में क्या लगा दीजिएगा? क्या लगा दीजिएगा बोलिए? x2। आई में m2 है तो क्या लगा दीजिएगा? x1। ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। तथा ये वायु तो निकालना है, में y, तो y बराबर तो फॉर्मूला होगा, हुआ कि नहीं होगा? होगा। चलिए y बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। y बराबर फॉर्मूला क्या होगा भैया? तथा तथा लिखेंगे, तथा y बराबर फॉर्मूला होगा, फिर वही लगाइएगा m1, फिर क्या लिखेगा? m2, अब बटा m1 + आई में y है तो y बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा? m1 है तो y2, m2 है क्या? मध्य बिंदु का नियामक। ये क्या होता है भैया? तो ये होता है कि कोई बिंदु है जिसका नियामक है ax1, y1। क्या है? एक आउट ऑफ बिंदु है क्या? b, क्या है? x2, y2। इसके बीच में एक बिंदु है, एक नियामक कितना होगा? तो कह रहा है क्या, इसका नियामक होगा x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये नियामक हो गया। ठीक है, और लास्ट पांचवा नंबर फॉर्मूला क्या है जो अभी आज पढ़े हैं आप, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो एक त्रिभुज है जिसका नियामक है a x1
y1, एगो b है, ये क्या है x2 कॉमा y2, एगो c है x3 कॉमा y3। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी मैजिक है, क्या है मैजिक देखिए, एक बटा टू ब्रैकेट ऑन, आगे लिखना x1 वन एगो घर खाली प्लस x2 एगो घर खाली या फिर प्लस x3 थ्री आ क्या लिखना एगो घर खाली आ तब बजाओ ताली, ताली नहीं कोरोना में नहीं जाना। अब क्या करना है रे, कौन है यहाँ पर, आया हम जान गए, तू आगे हला नहीं करो, x1 है तो क्या लिखेंगे y y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर यही में क्या लिख दे y माइनस वाई, आई में क्या लिख दे y माइनस, आ एक दो तीन गिनते तो ऐसे करता है आता है ना, क्या गिनती आता है एक दो तीन, चलिए एक दो तीन, तो एक एक है तो क्या लगाइएगा दो तीन, दो तीन दो है तो क्या लगाइएगा तीन एक, तीन के बाद चार नहीं गिनेंगे एक, आ फिर देखिए तीन है तीन के बाद क्या करना है चार, चार नहीं है तो क्या करेंगे एक दो, हो गया ये तीनों।